उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आज गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया, जहां मैक्स वाहन 50 मीटर खाई में गिर गया। वाहन में 7 लोग सवार थे, इसमें ज्यादातर कॉलेज की छात्राएं थी। गनीमत रही कि सभी की जिंदगी सकुशल बच गई, कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। सभी को फिलहाल CHC अगस्त्यमुनि में उपचार दिया जा रहा है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह तकरीबन 8:45 बजे एक मैक्स वाहन रुद्रप्रयाग जिले के कंडारा से बांसवाड़ा की ओर जा रहा था। वाहन में 7 लोग सवार थे, जिनमें एक दंपति और डिग्री कॉलेज अगस्त्यमुनि की कुछ छात्राएं थी, जो रोजाना की तरह अपने गाँव से कॉलेज की ओर जा रही थी। अचानक बांसवाड़ा के नजदीक ही कंडारा रोड पर मैक्स अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे मौके पर छात्राओं में चीख पुकार मच गई। वाहन गिरने की आवाज सुनकर बांसवाड़ा से स्थानीय युवा तेजी से घटनास्थल की ओर दौड़े और तेजी से घायलों को सुरक्षित निकालकर अपने निजी वाहन से अस्पताल ले गए। इसी बीच वहां से गुजर रहे केदारनाथ पूर्व विधायक मनोज रावत ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपने निजी वाहन से 2 घायल छात्राओं को CHC अगस्त्यमुनि पहुंचाया। घायलों में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पढ़ने वाली अनुपमा नेगी ग्राम दौला, शालिनी महक नेगी ग्राम कंडारा, आरूसी निवासी ग्राम कंडारा और दंपति गजपाल लाल निवासी ग्राम कंडारा, सरिता देवी और प्रमोद सिंह का CHC अगस्त्यमुनि में उपचार चल रहा है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सभी घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।